और माधव को बाहर खड़ा कर दिया कि जैसे मम्मी पापा आए तो आके हमें फटाफट से बता दियो। क्यों, क्या हो गया? हमारी एक डेढ़ साल से ना मम्मी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं और हमें साथ नहीं रहना। क्या सब 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 तुम्हारे प्यार की देन है? ऐसा कुछ नहीं, पापा माने तो आप भी थे इन लोगों को। मैं तुम्हें पहले ही समझाया था मैंने कि तुम गलती कर रही हो। तोड़ दो इन्हें, रिश्ता तोड़ दो तुम लोगों से। तोड़ क्या दो? जैसे कि आप सबको पता है ये वाला कॉन्टिन्यूएशन में है पिछले वाले व्लॉग के, मतलब पिछले वाले व्लॉग में हमने माधव और दीक्षा पे प्रैंक किया था। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। डाइवोर्स प्रैंक की हम अलग होना चाहते हैं। वैसे तो ये वर्ड मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बोलना, बट ये शायद हमारा आखिरी प्रैंक होगा ऐसे वाला, क्योंकि मैं हम दोनों ही नहीं चाहते इस तरह के कोई प्रैंक करें, बट ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग बोल रहे हैं बार बार हमें ये वाला प्रैंक चाहिए चाहिए। हमने एक ईमेल का रिप्लाई भी करा कि हम ये वाले प्रैंक अब नहीं करेंगे, बट उसके बाद लिख रहे हैं कि भैया हमें तो चाहिए चाहिए, कोई बात नहीं कर दो, तो हम ये वाला कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, गाली मत देना हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी, ओके? जिसने दी ये हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, पहले हम आपको ये चीज क्लियर कर रहे हैं। और हम मम्मी पापा को बहुत देर तक स्ट्रेच नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पता है मेरे को कि वो बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, ज्यादा नहीं उनके इमोशंस को बाहर मतलब आने देंगे, थोड़ा सा करेंगे, हल्का सा रिएक्शन लेके बंद कर देंगे। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, देखिए ना, मुझे देख ला पापा मम्मी का रिएक्शन। आप लोग गाली दो ना दो, हमने बहुत गालियां दी है। शाबाश बेटा, ये दीक्षा, ये प्रशांत मामा और माधव और ये मैं तो बचपन से ही स्मार्ट ही हूँ। झूठ बोल रहा है माधव की, कह रहा है ना बचपन से स्मार्ट हूँ, इसकी वो दिखा दो, वो जो डांस कर रहा था वृंदावन में, जो एनिवर्सरी 25th एनिवर्सरी हीरो बीकेसी, हीरो बीकेसी कोई गाली होगी ऑफकोर्स। तो गाइस मम्मी पापा को अभी कॉल किया था और मम्मी की नर्सरी से पापा उनको लेके निकल चुके हैं और हमने माधव को बाहर खड़ा कर दिया है, तो मैक्सिमम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे वो। हाँ, और माधव को बाहर खड़ा कर दिया कि जैसे ही मम्मी पापा आए तो आके हमें फटाफट से बता दियो, तो अगर खबरी है, खबरी माधव, तो अगर गालियां पड़ेंगी तो सिर्फ हम दोनों बने, ये दोनों इक्वली भागीदारी है, माधव और दीक्षा चारों को गालियां पड़नी चाहिए। एक तेरा एक मेरा 50-50 बराबर है। शिवम एक्साइटेड है तू? मैं एक्साइटेड, मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि भाई पापा मम्मी क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कुछ भी प्रैंक पापा मम्मी पे नहीं किया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, हमने आज तक उन लोगों को तो कभी किसी चीज में ऐसे इन्वॉल्व नहीं करा। पापा आ गए, ठीक है, जल्दी कैमरा लगाओ, सब ठीक है, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही माधव बता रहे, कुछ तो हुआ, ये लोग लड़ रहे हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों, क्या हो गया? हमारी एक डेढ़ साल से ना मम्मी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं और हमें साथ नहीं रहना। क्यों चल रही है भाई लड़ाई? इसको बहुत गुस्सा आने लग गया। अब मेरे को नहीं, मम्मी गुस्सा यही करती है, ऐसा लगता है कि अब ये बोल रही है कि मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन असल में यही कर रही होती है मैक्सिमम टाइम्स। ये अपनी गलती नहीं मान रही, मैं अपनी गलती नहीं मानता, इस चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी तो। अभी हमने दीक्षा और माधव से यही डिस्कस किया था, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो लड़ाई किस बात पे हो रही है? ये बहुत गुस्सा करने लग गया मम्मी अब तो। कोई बात तो होगी, तो करती है यार। तो आप ज्यादा करते हो मम्मी, इसमें इतनी ईगो आ गई है यार अब। तो किस बात के लिए ईगो आ गई? आप बोल, छोटी छोटी बातों में पापा
जैसे मान लो इसने कुछ बोला मेरे को ये करना है, मैं 10 मिनट भी लेट हो जाऊँ तो आगे से कहती है कि नहीं करा तुम, मेरी ध्यान नहीं देते, मेरी बात नहीं सुनते, ये वो उल्टा सीधा ज्यादा अच्छा, बोल देती है, बोलता कुछ थोड़ा ज्यादा बोल देती है, जिसकी वजह से ज्यादा हर्ट होता है मुझे। भाई टाइम कितना हुआ तुम्हारी शादी को? बात तो सही है। हाँ तो मम्मी पहले हम साथ नहीं रहते थे ना, अब साथ रह के पता चल रहा है ना कि कौन कैसा है। जब हम तुम्हें समझा रहे थे कि बेटे अलग अलग रहना, साथ रहने में बहुत फर्क है। दीक्षा ने भी देखा, तूने देखा ना कितना गुस्सा कर रहा था ये अभी मेरे ऊपर। दोनों तब से सिर्फ लड़ रहे हैं, दूसरे पे चीख रहे हैं। तू भी तो कर रही थी यार, कंफ्यूजन ये थोड़ी ना होती कि अलग हो जाओ। अलग अलग होने की बोल रहे हैं तब से, ये सुन नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम बिल्कुल दूसरे के साथ कह रही, हम नॉर्मली लड़ाई चल रही थी 2 दिन पहले की बात है, बहस चल रही थी, बहस करते करते एकदम से कहती कहती तो ठीक है फिर अलग हो जाते हैं, क्या लेना देना साथ रह के, अगर साथ में खुश नहीं रह सकते तो इससे अच्छा अलग रह लो, खुश तो रह पाएंगे। फिर मैंने भी इसको हर बार कहता हूँ ऐसी बातें मत बोला कर, यार मैंने सिर्फ तेरे साथ एग्री करा, तूने ही बोला इस बार फिर से कि अलग अलग होंगे, इस बार मैंने बोल दिया कि ठीक है। तो अलग होना है तुझे भी, इसीलिए तो तूने एग्री करा, वरना तू क्यों करता? यार तू ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही है, मम्मी पापा के आगे भी इस टोन में बात कर रही है यार। तुम लोगों ने मम्मी पापा को बताया था? नहीं पहले हम आपको बताने आए। तो हमें क्यों बताया पहले, वहाँ बात करते। हम अभी बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो माधव बीच में आया, तो माधव के साथ फिर बात करी, फिर आप अभी आए तो आपके साथ बड़ा हो गया। माधव बड़ा हो गया, माधव ने कहा था नहीं मम्मी लड़का अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, अच्छा साथ रहेगा, कर दो इनकी शादी। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो ये साथ रहेगा, मैंने बहुत बार बोला इसको कि ये बातें मत किया अगर अलग होने वाली, हमेशा लड़ाई में बोलती है, इस बार मैंने कहा ठीक है तेरी बात मान लेते हैं। हाँ तो मम्मी यार हर चीज में ये मेरे ऊपर चिल्लाता रहता है। उस दिन गुस्से में इसने गेट की कुंडी तोड़ दी। गेट की कुंडी तो ऐसे नहीं होता ना यार। देखो आशु तुम्हें पहले समझाया था मैंने कि तुम गलती कर रही हो भाई, इन लड़की को तुमने सर पे चढ़ाया, तुमने ज्यादा छूट दे रखी थी मेरे पर ना, सारा एलिगेशन लगाया करो। बच्चों को तो प्यार किया ही जाता है ना, इसमें बच्चों प्यार में ऐसा काम करता है? नहीं तो पापा हम खुद नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, लेकिन अब क्या करें फिर, अब नहीं बन पा रही, जरूरी थोड़ी है कि दो इंसानों ने शादी करी है तो उनकी हमेशा ही बनेगी। भाई हम कैसे तुम लोगों के कैसे समझाएं, अच्छा क्या कहें, करें तुम्हारे लिए जो तुम अच्छे से रहो, बताओ कैसे आप लोगों को तो मैं ही गलत लग रही हूँ, वो तो सही लगेगा दामाद है वो, मेरी क्या गलती है, मैं तेरे में मेरे से ज्यादा ईगो है, शिवम झूठ मत बोल। हमें तुम्हें इतना समझाया था शादी के वक्त भी, बेटे अच्छे से रहना, दूसरे घर जा रहे हो, हमारा नाम मत वो करना खराब। क्या सोचेंगे कि कैसे संस्कार दिए लड़की को? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मेरे को क्यों बोल रही हो अब, इसको भी तो कुछ बोलो, ये तो बहुत गलत बात है। फिर ये तो बहुत बड़ा टेंशन का इशू दे दिया, मैं क्या बताऊं, सब सब तुम्हारे प्यार की देन है, ऐसा कुछ नहीं है पापा, माने तो आप भी थे भाई इन लोगों को, मैं तो जा रहा हूं, मम्मी के ऊपर क्यों ब्लेम डाल रहे हो, हर सारा ब्लेम मेरे ऊपर मत डाला करो। पापा रुक जाओ, पापा एक सेकंड, पापा आ जाओ यार, अभी हम बात कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो, बैठ तो जाओ, अच्छा 2 मिनट बैठो। टेंशन दे दी तुम लोगों ने दीक्षा, अगर तूने ये सब कुछ करा ना तेरा तो मुंह तोड़ दूंगी बिल्कुल। यार मेरे पे क्यों आ रहे हो यार? अच्छा पापा बैठो, जब मैं मना कर रही थी ये सब शादी वादी करने के, तू भी बहुत आई थी, तूने भी बहुत मीटिंग की, हां तू भी बहुत हमको कर रही थी, अच्छा है बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है भैया, ये सब तूने रोकती थी, तू भी ऊपर जाके तो दोनों पहले छोड़ दे, पता है ये सब हो जाएगा, ये लोग तो तब से ट्राई कर ही रहे हैं, मेरी क्या गलती है इसमें, अब मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा पता 2 साल बाद आके बोल देंगे नहीं रहना साथ में, कंक्लूजन पे ही आए हैं तो सीधा, अब इतनी बड़ी टेंशन हो गई, अब कैसे निपटे, ये मुझे क्या पता, वो आप लोग इनसे बात करो ना। नहीं नहीं शाम को इनके मम्मी पापा को बुलाओ, मीटिंग कराएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं वो भी, ऐसे थोड़ी है कि एकदम से इन्होंने कह दिया कि हमें नहीं रहना तो नहीं रहना, मैं भी तब से नहीं समझा रही एकदम से कैसे बोल सकते, तो मैं साथ में नहीं रहना है, मुझे क्या पता ही हो जाएगा, छोड़ो ना, छोड़ दो इन्हें, रिश्ता तोड़ दो तुम लोग, तोड़ क्या दो, ऐसे रिश्ते बनते हैं, ऐसे टूट जाते हैं, अरे तोड़ दो, ये बेवकूफी है, इसी की सारी गलती है, शादी से पहले भी ऐसी थी, बकवास मत कर, इतना प्यार करती हूँ मैं अपने पति से, आए बड़े प्यार कर रहे थे हम तुम दोनों, देख ले वीडियो बना रहे, 10 मिनट Oh,
मैंने इसको बहुत हार्ट अटैक हो गया, हमें हार्ट अटैक बोल दे पापा नहीं मैंने पापा इसको मैंने दो बार बोला मैंने कहा नहीं ये मत कर मम्मी पापा के साथ उन्हें हर्ट हो गई है नहीं एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे करेंगे अरे तो तू माना ना बकवास मत कर ये निकाल दी मैं तेरा निकाल दी बार बार चंडा पिट गया मैं तेरा निकाल दी अभी हमने आप लोगों से पहले इन दोनों पे ये प्रैंक करा फिर इन्हें बताया हमने कि ऐसे प्रैंक करो कभी नहीं ये पहला राजू प्रैंक है गाइस दोबारा से ऐसा हम दोबारा कभी नहीं करेंगे सॉरी 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 ये हां गाइस सॉरी गाइस पापा सॉरी ओके यस मम्मी क्या कहना चाहती हो तुम बोलो बोलो ऐसे प्रैंक कभी नहीं करना और ये बातें कभी मन में भी नहीं लाना ठीक है समरिया तो हमारे मन में आती नहीं है नहीं गलत बात है बेटा ऐसे पेरेंट्स के संग ऐसा प्रैंक नहीं करना चाहिए लेकिन क्या तुम्हारे मन में ऐसे कुछ आता है शिवम ग्रोवर जो आपने छोटा सा चाटा माधव के मारा वो एक छोटा सा वैसे तान्या भी डिजर्व करता है बात तो सही है डिजर्व तो फिर आप भी करते हो मैं तेरे से खा लूंगा मम्मी ने माधव को मारा माधव तेरे को मारेगा तू मेरे को मार लियो मैं दीक्षा को मार दूंगा हमें कभी सुनाई नहीं देना चाहिए ये बात अरे कभी नहीं सुनाई देगा नहीं नहीं मम्मी ऐसे हम नहीं है हम क्या अलग हो सकते हैं क्या नहीं तो गाइस आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एंड नो गाली इन द कमेंट सेक्शन ओके Bye, यार देख bye, 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 love you. Bruh. दीक्षु, bye. Bye. Bye.